हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रणकपुर के निकट गाड़ी में आग लगने के बाद सिंधा जलने से करणी सिंह जसोल की दुखद दर्दनाक मृत्यु। उदयपुर जिले के सारा थाना क्षेत्र अधीनस्थ रणकपुर घाट सेक्शन में सोमवार सुबह एक कार गहरी खाई में गिर गई। इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में जसोल बाड़मेर निवासी करणी सिंह जिंदा जल गए। करणी सिंह जसोल पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के भतीज एवं जोधपुर पूर्व नरेश गज सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वे जोधपुर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निदेशक थे। उनका शव जोधपुर ले जाया जाएगा। हादसे की खबर से मारवाड़ क्षेत्र में शोक छा गया। बताया जाता है कि करणी सिंह अपनी कार से रणकपुर घाट सेक्शन स्थित रूपन माता मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे थे। उससे पहले झाला छतरी समीप कार अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। सारा थाना शिकारी उमेदी लाल ने बताया कि जानकारी के बाद सादड़ी व सारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। सुबह 5 से 6:30 बजे के बीच हुआ हादसा। सुबह 5 से 6:30 बजे के बीच करणी सिंह कार से सादड़ी से सारा की तरफ जा रहे थे। रणकपुर घाटे में झाला छतरी से पहले विकट मोड़ पर 100 से 150 फीट गहरी खाई में उतर कर एक पेड़ के सहारे टिकी कार में भीषण आग लग गई। करणी सिंह कार में जल गए। जलती कार में 4 से 5 जोरदार विस्फोट की आवाज पर ग्रामीण व वन कर्मी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सादड़ी से नगर पालिका की दमकल गाड़ी मंगवा कर आग बुझाई गई। इरगल रेस्क्यू टीम संयोजक जितेंद्र सिंह राठौड़, रफीक, विमल पुरी, अशोक, प्रतीक रामावत, वीरेंद्र प्रताप की मदद से गाड़ी में सवार व्यक्ति जो पूरी तरह जल गया, उसके शव को कड़ी मशक्कत व गाड़ी के फाटक तोड़कर शव बाहर निकाला गया। उनकी पहचान करणी सिंह जसोल के रूप में की गई। जागरूक टीवी के लिए पाली से खास रिपोर्ट।